नमस्कार दोस्तों, साल 2019 कई बल्लेबाजों के लिए काफ़ी शानदार साल रहा है। तो दोस्तों, आज हम तीन ऐसे बल्लेबाजों की बात करेंगे जिन्होंने साल 2019 में अपने बल्ले से काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं और दोस्तों अपनी टीमों के लिए काफ़ी शानदार बड़ी बड़ी पारियां खेली है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच की। इन तीनों बल्लेबाजों ने साल 2019 में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनके आंकड़े बताएंगे आपको कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए और साथ ही दोस्तों कितने मुकाबलों में बनाए और कितने शतक और अर्धशतक के साथ बनाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ये सब जानने के लिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच की। तो एरन फिंच ने साल 2019 में 23 मुकाबले खेले हैं जिसमें दोस्तों इन्होंने 1141 रन बनाए हैं 51.85 के शानदार औसत के साथ। इनकी स्ट्राइक रेट रही है दोस्तों 89.42 की। साथ ही दोस्तों इन्होंने 4 शतक लगाए और 6 अर्धशतक लगाए हैं। दोस्तों, एरन फिंच का बल्ला इस साल जमकर बोला है, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज में और इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और अपनी टीम के लिए इस साल 1000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं और दोस्तों अभी भी ये कारवां जारी है। इसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो करते हैं भारतीय टीम के उप कैप्टन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने साल 2019 में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने अब तक 25 मुकाबले खेले हैं जिसमें 1232 रन बनाए हैं। इनका औसत रहा 53.56 का, स्ट्राइक रेट रहा 88 का और साथ ही दोस्तों इन्होंने जड़े हैं 6 शतक और 5 अर्धशतक। रोहित शर्मा ने सबसे शानदार प्रदर्शन दोस्तों वर्ल्ड कप में किया है जहाँ पर इन्होंने 5 शतक लगाए थे। तो दोस्तों, रोहित शर्मा का ले ये साल काफ़ी शानदार है और अब तक 6 शतक लगा चुके हैं और आगे भी ये साल 2019 में अपने बचे हुए मुकाबलों में और शतक जड़कर यहाँ पर इस अपने स्कोर को बेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम आखिरी खिलाड़ी की बात करते हैं तीसरे, तो यह भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की। विराट कोहली ने 23 मुकाबले खेले जिसमें 1288 रन बनाए। इनका औसत 64.40 का रहा है, स्ट्राइक रेट इनका 95.90 का रहा है। साथ ही दोस्तों इन्होंने 5 शतक लगाए हैं और 6 अर्धशतक लगाए हैं। विराट कोहली ने दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप में 5 अर्धशतक लगाए थे लेकिन दोस्तों 5 शतक इनके वर्ल्ड कप के पहले और बाद में आए हैं। तो दोस्तों, सबसे शानदार प्रदर्शन तो यहां पर विराट कोहली का ही नज़र आ रहा है लेकिन रोहित शर्मा और एरन फिंच ने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है 2019 में। तो दोस्तों, इन तीनों बल्लेबाजों में से आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर एरन फिंच? कॉमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम ज़रूर लिखें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।